नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी आज के ताज़ा समाचार आ रहे हैं। अब सीएम शिवराज पर पूरा विश्वास, निष्कासितों की सेवा वाली होगी। दोस्तों, जो कर्मचारियों के वचन कांग्रेस सरकार में अधूरे रह गए थे, उनके वचन पूरे होंगे। मध्य प्रदेश के समस्त प्रकार के कर्मचारी देखें और इस पर अपनी मांग लिखें, और कौन सा वचन जो पूरा होना वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए विस्तार जान लेते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, सीएम शिवराज पर पूरा विश्वास, निष्कासितों में अब जागी सेवा बहाली की आस। कर्मचारियों ने कहा, जिस वचन पत्र पर टिका था भरोसा, उससे नहीं मिला न्याय। प्रदेश के विभिन्न विभागों और परियोजनाओं में सेवा से निकाले गए कोई हजारों संविदा कर्मचारियों का अब चौथी बार मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा भरोसा टिक गया है। इन कर्मचारियों का कहना है कि कमलनाथ सरकार में तो वचन का पालन किया ही नहीं, लेकिन अब वर्तमान मुखिया से हमें बड़ी उम्मीदें जागी हैं। बता दें कि 2 साल पूर्व शिवराज सिंह चौहान ने ही अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में इस मामले का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस की सरकार आई। 1 साल तक इस सरकार में संविदा कर्मचारी मांग करते रहे कि उनकी मांग वचन में शामिल है, इस कारण तत्काल सेवा बहाली होनी चाहिए। उसके बावजूद अफसरों ने इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया है। JD द्वारा निर्देश जारी करने के बावजूद भी विभागों ने यह जानकारी तक भेजना उचित नहीं समझा कि किस विभाग और परियोजना में कितने कर्मचारियों को निष्कासित किया गया है। पिछले कुछ सालों के अंतराल पर गौर करें तो कई विभागों में संविदा कर्मचारियों की सेवा से निष्कासित किया गया है। अधिकारियों ने बिना पड़ताल किए इन कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए थे। इधर निकाले गए सबसे ज़्यादा कर्मचारी, बार्टर सेड मिशन के सचिव पद पर कार्य कर रहे 6,000 सेवकों की सेवाएँ 31 मार्च 2017 को समाप्त कर दी गई थी। BRGF में 100 डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 2016 के दौरान हटाया गया। स्वास्थ्य विभाग में 2,000 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। बिजली विभाग में 50, कौशल विकास केंद्र में 600, सहकारिता में 150, मलेरिया विभाग में 772 और महिला बाल विकास में 400 को सेवा से हटाया गया। राज्य शिक्षा केंद्र के अधीन साक्षर भारत मिशन के अधीन कार्य करने वाले 46,000 प्रेरकों को पिछले साल 2018 में सेवा से हटा दिया गया था, वचन पत्र में किया गया था उल्लेख। कांग्रेस के वचन पत्र में निष्कासित संविदा सेवकों के तत्काल सेवा में लेने की बात कही गई थी। विभागों और परियोजनाओं में जिन कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया गया था, अब इन कर्मचारियों का कहना है कि सरकार इस मामले में जल्द निर्णय ले पाई। जिन कर्मचारियों को सेवा से निकाल दिया गया था, उनके परिवारों में आर्थिक संकट गहरा गया है। यह कर्मचारी एक प्रकार से बेरोजगार अपने घरों में बैठे हुए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अब प्रदेश में निजाम बदला है, मुख्यमंत्री फिर से शिवराज सिंह बन गए हैं, इस कारण उम्मीद है कि जल्दी उनके साथ न्याय हो।